डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO मिनिस्टर ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिग्री और ITI पास कैंडिडेट से परमानेंट नौकरी के लिए आवेदन मांगा है। अगर आप बैचलर डिग्री पास कर चुके हैं या ITI, NCVT, SCVT से पास कर चुके हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसमें आप पूरा डिटेल्स पढ़ के आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स जो है, यहाँ पे कुछ डेट इम्पोर्टेंट दिया गया है जो 3 सितंबर से इसका आवेदन शुरू हो चुका है और इसका अंतिम डेट 23 सितंबर 2022 टाइम शाम 5 बजे तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। ये आपका पूरा ट्रेड वाइज रिक्त सीट का विवरण जो SC ST OBC जनरल EWS सबका अलग अलग करके यहाँ पे देखा गया है। आप यहाँ पे ट्रेड भी देख सकते हैं, ऑटोमोबाइल, बुक बाइंडर, कारपेंटर, CNC ऑपरेटर, कोपा, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, DDP ऑपरेटर और इलेक्ट्रिशियन इस पेज में दिख रहा है। तो ये आप कोपा के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें कोपा ट्रेड है, क्वालिफिकेशन हाई स्कूल पास और ITI पास होना चाहिए। साथ साथ यहाँ पे SC के लिए 16, ST के लिए 8, OBC के लिए 33 और EWS के लिए 9 और जनरल के लिए 73, यानी टोटल 139 सीट यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पूरा आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं फिटर, ग्राइंडर, मशीनिस्ट, मैकेनिक, डीजल और आपका यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड हैं। आप इस ट्रेड को ध्यान से पढ़े और आपका ट्रेड अगर आप पास कर चुके हैं तो इस ट्रेड से आप आवेदन कर सकते हैं। सबका रिक्त सीट का विवरण यहाँ पे डिटेल्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप कारपेंटर या वेल्डर ट्रेड है ये भी यहाँ पे पूरा डिटेल्स यहाँ पे मौजूद है। तो टोटल रिक्त सीट जो है ये आपका विवरण है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप ITI या डिग्री पास कर चुके हैं तो अलग अलग टेक्नीशियन पद पे आप आवेदन कर सकते हैं। ये ITI पास के लिए जो मैं वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ ITI पास के लिए। एज लिमिट क्या है इसका, कैंडिडेट मस्ट बी बिटवीन 18 एंड 28 ईयर्स ऑफ एज, 18 से 28 साल तक एज होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपका 10th क्लास पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूट हाई स्कूल पास होना चाहिए और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट और अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट SCVT या NCVT से पास कर चुके हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपका, एक नंबर में आप देख सकते हैं क्लास 10th इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फॉर एज प्रूफ के लिए हाई स्कूल सर्टिफिकेट, नंबर 2 सर्टिफिकेट फॉर ITI, NCVT और SCVT, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आवेदन कर सकते हैं। 3 नंबर में फ़ोटो चाहिए जो 30 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। नंबर 4 आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपके पास आधार, पासपोर्ट, वोटर ID, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी है तो चल जाएगा। 5 नंबर में आपका सिग्नेचर ऑन प्लेन वाइट पेपर में आप सिग्नेचर करके उसको अपलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, एप्लीकेशन फ़ीस है 100 रुपीज़ EWS, OBC और जनरल के लिए, और SC ST वोमेन के लिए कोई फीस नहीं लगेगा आवेदन कर। वोमेन SC ST PWESM के लिए कुछ भी फीस पेड नहीं करना है। चलते हैं एग्जामिनेशन सिटीज़ फॉर Tier 1 CBT, जो परीक्षा होना है इतने जगह पे आपका सेंटर रहेगा, आप किसी भी 3 सेंटर चूज़ कर सकते हैं। ये आपका सेंटर 39 सेंटर है, इसको चूज़ कर सकते। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ITI Tier 1 CBT एग्ज़ाम होगा और नंबर 2 Tier 2 ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये है आपका CBT जो होना है, क्या क्या होना है, क्वांटिटिव एबिलिटी, एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज के ऊपर आपका टोटल 40 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका ट्रेड रिलेटेड जो भी ट्रेड है उसके ऊपर 80 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 120 अंक का एग्ज़ाम है और समय आपका 90 मिनट निर्धारित किया गया है। Tier 2 में क्या है, ट्रेड टेस्ट में क्या है, आपका रिलेटेड ट्रेड जो भी जिस ट्रेड से आप आवेदन कर रहे हैं उसी ट्रेड के ऊपर आपका प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाएगा। तो ये है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। ठीक है, तो दो स्टेप में आपका सिलेक्शन होना है, एक CBT एग्ज़ाम, दूसरा है आपका ट्रेड टेस्ट यानी ट्रेड प्रैक्टिकल के ऊपर ये आपका टोटल मेरिट लिस्ट बनेगा। इसके बारे में आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इसमें जो QR कोड है इसको आप स्कैन करके भी देख सकते हैं या फिर नंबर हेल्पलाइन या वेबसाइट यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसमें आप जाके आप डिटेल्स, इंफॉर्मेशन या कुछ भी दिक्कत हो तो
आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर चैनल में आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।